हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स पार्ट टू चैप्टर नंबर थ्री इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.5। आज इसका हमारा फोर्थ लेक्चर है। फर्स्ट 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18। इंटीग्रल x माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। इसके लिए कंसीडर x माइनस टू ओवर x प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये जो है x प्लस वन, ये हमारे पास लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, इसके हम फैक्टर्स नहीं बना सकते। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? लीनियर को तो हम इसी तरीके से लिखेंगे, प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्वाड्रेटिक की जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स की हाईएस्ट पावर जो है वो टू आ जाए, उधर हम लिखेंगे बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइंग बाय। अब बोथ साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ। मल्टीप्लाइंग बाय एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑन बोथ साइड। एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इसके साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करें, प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे लें। पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर वन। एक्स माइनस वन को इक्वेशन नंबर वन में पुट करें, बोथ साइड पे पुट करना है। माइनस वन इंटू माइनस टू ए इंटू माइनस वन इसका स्क्वायर प्लस वन, प्लस जब हम इसमें पुट करेंगे तो वो जो है वो बी और सी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। जब बी एक्स प्लस सी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो के साथ, वो दोनों वैल्यूज हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। यहाँ पे हम ज़ीरो लिख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस माइनस थ्री हो जाएगा, ए इंटू माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस वन। माइनस थ्री इज इक्वल टू टू ए, ए वन प्लस वन टू ए हो गया। ए इज इक्वल टू टू, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, ए की वैल्यू माइनस थ्री ओवर टू। अब हमने बी और सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। इसके लिए अब हम यहाँ पे एक्स के स्क्वायर है तो इसको हम पुट नहीं करेंगे। अब इसके लिए हम इक्वेशन नंबर वन में इसके कोफिशियंट को कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर के और एक्स के कोफिशियंट को। कंपेयरिंग कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशियंट को कंपेयर करें। इस साइड पे मैं जो है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को कंपेयर कर लेते हैं। इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कोई भी नहीं है, इट्स मीन ज़ीरो है। और इधर ए प्लस बी हो जाएगा, बी एक्स को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ए की वैल्यू इसमें पुट करें, ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस थ्री ओवर टू प्लस बी। बी इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू साइड पे माइनस की, इधर आके जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी थ्री ओवर टू, ये बी की वैल्यू है। अब हमने एक्स के कोफिशियंट को कंपेयर करना है। इस साइड पे जो है वो एक्स का कोफिशियंट वन है, वन इज इक्वल टू बी प्लस सी आ जाएगा। वन इज इक्वल टू बी की वैल्यू इसमें पुट करें, थ्री ओवर टू प्लस सी। सी इज इक्वल टू इस साइड पे प्लस है, इस साइड पे आके माइनस का, माइनस थ्री ओवर टू। इसका एलसीएम ले तो इसको कैलकुलेट करें, माइनस वन ओवर टू सी की वैल्यू। ये ए बी सी तीनों की वैल्यूज अब हमने इसमें पुट करनी है, देन इसको जो है वो इंटीग्रेट कर लेना है। पुट करें वैल्यूज इस इक्वेशन में, एक्स माइनस टू ओवर एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू
माइनस थ्री ओवर टू ओवर एक्स प्लस वन प्लस थ्री ओवर टू एक्स प्लस माइनस वन ओवर टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। टू इधर जो है वो डिवाइड हो रहा है, नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे माइनस थ्री ओवर टू एक्स प्लस वन प्लस। अब इधर हम ऊपर जो है वो इसका एलसीएम लेंगे, टू एलसीएम आ जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन डिनोमिनेटर में पावर आ जाएगी थ्री एक्स प्लस माइनस माइनस वन माइनस थ्री ओवर टू इंटू एक्स प्लस वन प्लस ऊपर क्या आ जाएगा थ्री एक्स माइनस वन ओवर टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पे जो है वो इंटीग्रेशन इंटेग्रल अप्लाई करें बोथ साइड पे, इस साइड पे जो है वैल्यूज वही आएगी x माइनस टू ओवर x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल माइनस थ्री ओवर टू जो है वो कॉन्स्टेंट है, उसको हम इंटेग्रल से पहले लिखेंगे वन ओवर x प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस वन ओवर टू इंटू थ्री एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स माइनस थ्री ओवर टू एक्स प्लस वन। नीचे वाली रकम के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो लोग एक्स प्लस वन नीचे वाली रकम आ जाएगी प्लस वन ओवर टू। ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक थ्री एक्स और एक माइनस माइनस वन है, तो इसके ऊपर अलग अलग से जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वन अलग अलग से जो सेपरेटली इसको डिवाइड करेंगे। थ्री एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स माइनस वन ओवर टू, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा माइनस वन ओवर टू वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स माइनस थ्री ओवर टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस वन ओवर टू। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो टू एक्स है, तो इसके लिए हम इसको टू से डिवाइड करेंगे और टू से ही जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री कॉन्स्टेंट है तो उसको हम पहले लिख लेंगे, टू से ही इसको डिवाइड करेंगे और टू से ही मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन ओवर टू वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स माइनस थ्री ओवर टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस थ्री ओवर फोर, नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे वाली रकम आ जाएगी माइनस वन ओवर टू। ये जो है वो सारा जो है वो फार्मूला बन रहा है वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन टेन इनवर्स का फार्मूला बन रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट, ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 20 और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 19 20 21 सेम इसी तरीके से होने हैं क्वेश्चन जैसे अभी हमने क्वेश्चन 18 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं वो किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 22 इंटेग्रल 12 ओवर एक्स क्यूब प्लस 8 इंटू डी एक्स, यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में पावर क्यूब आ गया, तो अब हम इस पे जो है वो पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे ए थ्री प्लस बी थ्री का जो है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पे। यहाँ पे हम जो है वो फार्मूला लिख लेते हैं ए थ्री प्लस बी थ्री का क्या फार्मूला है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला आ जाएगा, ये अब इसमें यूज़ होना है। 8 है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 12 ओवर एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब और ये 2 का क्यूब इंटू डी एक्स। इस पर फार्मूला अप्लाई करें, अब 12 ओवर इसको एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब इंटू डी एक्स। इसके लिए इसको कंसीडर करें, कंसीडर 12 ओवर एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, 12 ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 12 ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ए ओवर, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें, एक्स ओवर एक्स ए ओवर एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब आपने इसको जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद मैं इसका जो है वो आंसर लिख रही हूँ। ए की वैल्यू जो है वो आपने खुद इसको फाइंड करना है, ए की वैल्यू 1 है, एक्स प्लस 2 प्लस बी की वैल्यू जो है वो माइनस 1 आ रही है इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इस साइड पे वही आ जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रल अप्लाई करें इस पर, इंटीग्रल 12 ओवर एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स, इंटीग्रल 1 ओवर एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स प्लस, यहाँ पे अब हमारे पास एक्स माइनस 4x बन रहा है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटीग्रल इंटू डी एक्स। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, एक्स प्लस 2 नीचे वाले रकम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 डेरिवेटिव और कॉन्स्टेंट का 0, तो इस पर जो है वो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, लॉग एक्स प्लस 2, इसके लिए हम इसको जो है वो माइनस 1 ओवर 2 से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही जो है वो डिवाइड करेंगे, 2x माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स, लॉग एक्स प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2, यहाँ पे हमने जो है वो 2 से डिवाइड किया और 2 से ही मल्टीप्लाई किया है। टू एक्स माइनस 2 नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है और माइनस 2x का माइनस 2 है, तो हम इसको माइनस 8 को इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस 2 और माइनस 6 इन दोनों को माइनस करें, माइनस माइनस प्लस तो वो माइनस 8 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स, लॉग एक्स प्लस 2 माइनस 1 ओवर 2, इसके नीचे जो है वो ये रकम अलग से डिवाइड होगी, माइनस सिक्स के नीचे ये अलग से डिवाइड होगी, टू एक्स माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स, माइनस माइनस प्लस 6 ओवर 2 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स,
लॉग एक्स प्लस टू माइनस वन ओवर टू। अब ये नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, फार्मूला अप्लाई करें इस पे, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, वन ज़ार टू, टू थ्री ज़ार सिक्स, प्लस थ्री आ जाएगा। इंटेग्रल वन ओवर, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर है, तो प्लस फोर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस वन और प्लस थ्री, फोर को हमने इसको इसीलिए किया है कि यहाँ पे स्केयर कंप्लीट करने के लिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है, लॉग एक्स प्लस टू माइनस वन ओवर टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर प्लस थ्री। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है, ये सारी चीज़ जो है वो फार्मूला बन रहा है, एक्स माइनस वन इसका स्केयर प्लस अंडर रूट थ्री इसका स्केयर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं थ्री को। लॉग एक्स प्लस टू माइनस वन ओवर टू लॉग एक्स स्केयर माइनस टू एक्स प्लस फोर प्लस थ्री। अब ये जो सारा है वो फार्मूला बन गया टेन इनवर्स का। टेन इनवर्स का क्या फार्मूला है, वन ओवर एक्स स्केयर प्लस वन, ये सारी वैल्यू जो है वो एक्स और ये कॉन्स्टेंट कोई भी हो सकता है, तो इसका इस पे फार्मूला अप्लाई करें टेन इनवर्स का, आ जाएगा वन ओवर ए, ए जो है वो अंडर रूट थ्री है, टेन इनवर्स एक्स ओवर ए, एक्स हमारे पास एक्स माइनस वन अंडर रूट थ्री प्लस सी कॉन्स्टेंट। यहाँ पे इसकी थ्री की पावर जो है वो वन है, नीचे पावर जो है वो हाफ है, तो ऊपर जाके न्यूमिनेटर में पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी अगर डिनोमिनेटर में पावर जो है वो पॉजिटिव है। लॉग एक्स प्लस टू एज इट इज माइनस वन ओवर टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, और यहाँ पे पावर ऊपर पावर जो है वो हाफ रह जाएगी, अंडर रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स माइनस वन ओवर अंडर रूट थ्री प्लस सी कॉन्स्टेंट, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 23, सेम इसी मेथड से होना है। क्वेश्चन नंबर 24, 25 से ऑनवर्ड जो 31 तक क्वेश्चन है वो सेम है, इनमें से मैं आपको जो है वो लास्ट वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ये जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है 3.5 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, इंटेग्रल 3x माइनस एट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा यहाँ पे प्लस टू इंटू डी एक्स। अब ये देखें हमारे पास जो है वो दोनों जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही हैं, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, कंसीडर थ्री एक्स माइनस एट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू ए एक्स प्लस बी ओवर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स की हाईएस्ट पावर जो है वो टू है, तो ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू मल्टीप्लाइंग बाय
एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, बोथ साइड पे जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री एक्स माइनस एट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे लें। यहाँ पे हमारे पास फोर वैल्यूज आएंगी ए बी सी डी। तो आपने जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन खुद करना है। अब नेक्स्ट जो है वो इसको सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, थ्री एक्स माइनस एट, ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है टू, बी की वैल्यू माइनस वन ओवर टू, सी की वैल्यू जो है माइनस टू और डी की वैल्यू हमारे पास माइनस सेवन ओवर टू। ये फोर वैल्यूज अब हमने इसमें पुट कर देना है और ये पार्शियल फ्रैक्शन अब आपने खुद करना है। उम्मीद है कि अब आपको सारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने के बाद और ये वीडियो देखने के बाद जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन आप खुद अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फोर वैल्यूज़ आ गई तो अब हम इसमें पुट करेंगे, देन इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। वैल्यूज़ पुट करें इसमें, टू एक्स माइनस वन ओवर टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू प्लस सी की वैल्यू माइनस टू एक्स आ जाएगी माइनस सेवन ओवर टू, ये डी की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रल अप्लाई करें, थ्री एक्स माइनस एट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, इंटेग्रल टू एक्स माइनस वन ओवर टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स प्लस माइनस टू एक्स माइनस सेवन ओवर टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। अब ये देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो टू एक्स है और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन, तो नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे जो है वो एक बार इसको प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे, माइनस वन ओवर टू एस इट इज़ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। ये हमने इसीलिए किया है कि नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए, प्लस यहाँ पे भी हम यही मेथड जो है वो करेंगे, इन दोनों में से माइनस कॉमन है तो प्लस माइनस माइनस टू एक्स, तो नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन आ जाएगा। एक बार इसमें प्लस करेंगे और एक बार जो है वो माइनस वन करेंगे, प्लस सेवन ओवर टू एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। अब इस पर हम अलग से जो है वो लिखेंगे, इसके नीचे डिवाइड करेंगे और वन में से माइनस वन ओवर टू करें तो इसके लिए जो है वो अलग से लिखेंगे, इंटेग्रल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स और वन में से माइनस वन ओवर टू करें तो हमारे पास जो है वो हाफ पावर रह जाएगी, वन ओवर टू रह जाएगा, वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ इसको, तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं। हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं,
इंटेग्रल 2x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटेग्रल 1 ओवर x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स माइनस 2x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स 1 में जो है वो माइनस करे 7 और 2 तो इसकी पावर जो है वो 5 ओवर 2 रह जाएगी। 5 ओवर 2 इंटेग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, ये वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास। नीचे वाले रकम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, इस पर फार्मूला अप्लाई करें, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे जो है वो हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ओवर 4 प्लस 3 ओवर 4 प्लस 1 को जो है वो हम इस ये लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 करें तो वो 2 होता है, 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 ओवर 4 प्लस 3 ओवर 4। इसको आप अगर सॉल्व करें एलसीएम ले तो वो आपके पास जो है वो 1 आएगा इंटू डी एक्स माइनस इंटेग्रल, ये इसकी इंटीग्रेशन भी हो जाएगी। नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और यहाँ पे जो है वो माइनस 5 ओवर 2 इंटेग्रल, इसका भी हम जो है वो स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। इसको हमने इस तरीके से लिखना है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर 4 प्लस 3 ओवर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। प्लस 1 ओवर 2 ये वाली रकम जो है वो एज इट इज आ जाएगी। इसका यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर बन रहा है x माइनस 1 ओवर 2 इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 ओवर 2 इसका होल का स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स प्लस 2 माइनस 5 ओवर 2 और इसका जो स्क्वायर बन रहा है x प्लस 1 ओवर 2 इसका होल का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 ओवर 2 इसका होल का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये जो फार्मूला बन रहा है वो जो हमारे पास आ रहा है टेन इनवर्स का बन रहा है हमारे पास फार्मूला, टेन इनवर्स प्लस 1 ओवर 2 टेन इनवर्स 1 ओवर आ जाएगा ना, 1 ओवर अंडर रूट 7 ओवर 2 टेन इनवर्स एक्स ओवर ए एक्स माइनस 1 ओवर 2 ओवर अंडर रूट 7 ओवर 2 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस 5 ओवर 2। इस पे भी टेन का फार्मूला अप्लाई करें तो ये 2 ओवर अंडर रूट 7 टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 ओवर 2 ओवर अंडर रूट 7 ओवर 2 प्लस सी कॉन्स्टेंट, ये इसका फाइनल आंसर है। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।